Good evening, students. Hope you all are doing fine. So, today we are going to start the topic BCSL 045, that is Algorithm Design Lab. Um, as it is an on, uh, on demand lecture, that's why you are preparing this um, uh, lecture on the lab, lab session. So, um, without any further delay, we are going to start with a f with few questions. The type of question that will come in the paper, some important questions. Let me take one more uh, one question. Given an array of n, it's a question given an array of n distinct integer and distinct integer and distinct integer determine the location of an integer determine the location of an integer determine the location of an integer in an array using linear search using linear search okay calculate the number of calculate calculate the number of times calculate the number of times the key operation क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहे बोल रहे कुछ इंटेज है एक एरे में ओके और मुझे क्या करना है यूजिंग लिनियर्स लिनियर्स मतलब क्या होता है पहले बिकॉज इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो में चेक करेंगे फिर फर्स्ट लोकेशन थर्ड लोकेशन फोर्थ लोकेशन ऐसे करके हम चेक करते जाएंगे जब तक ना मिले ऐसे सपोज एक एलिमेंट मैंने ढूंढा और वो एलिमेंट है ही नहीं फॉर एग्जाम्पल ले लो ऐसे करके कह रहे 7, 15, 21, 6, 3, 9, 12, ऐसे सपोज मेरे कह रहे एलिमेंट एक, एक, एक है की एलिमेंट है एलिमेंट नाइन है तो क्या करेगा नाइन को पहले क्या करेंगे तो और कभी कभी ऐसा होता है दे दिया ट्वेंटी टू हंड्रेड इलेवन टू हंड्रेड इलेवन कहीं भी है नहीं है तो फिर क्या होगा कंपेरिजन कितना होगा एक दो तीन चार पांच छह सात सात एलिमेंट है तो इस तरह से हमारे क्या होंगे ए लीनियर सर्च को हम दिस इज द वे लीनियर सर्च इज बीइंग ऑपरेटेड ओके तो विदाउट एनी फर्दर डिले तो क्या करेगा हम इसका कोडिंग लिख लेते हैं सी में ओके पहले लिखेंगे लेट मी राइट इट वन सेकंड हम अब क्या लिखेंगे इंट लीनियर सर्च सर्च कर दिया मैंने एक फंक्शन लिखा ठीक है इसमें क्या करे पूरे एरे को पास कर दिया आरे को, आरे को, आरे का नाम है ए आर आर इंट एन इंट के इंट के उसके बाद क्या करेंगे इंट कंपैरिजन कितने कंपैरिजन हो रहे इंट कंपैरिजन कंपैरिजन

हम लिखेंगे नंबर ऑफ कंपेरिजन इंट कंपेरिजन में स्टार दे दो ठीक है तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसको हम एज ए पॉइंटर वी विल बी डीलिंग विथ ठीक है तो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन इन आई प्लस प्लस If ए आर आर आई इक्वल टू इक्वल टू की जैसे दोनों से जो एलिमेंट ढूंढ रहा है और वो जो एलिमेंट जो एरे में दोनों सेम है तो क्या होगा रिटर्न वन और क्या कर देंगे हमें कुछ करना ही नहीं है रिटर्न वन करके ब्रेक कर दो ब्रेक क्योंकि फिर उसके बाद लूप की जरूरत ही नहीं है जब मुझे एलिमेंट मिल गया फिर तो ढूंढेंगे नहीं ना इसलिए रिटर्न वन करके वन मतलब मिल गया कॉमा देख उसके बाद क्या किया ब्रेक ब्रेक कर दिया okay. इसके बाद ब्रैकेट क्लोज इसलिए क्या करेंगे रिटर्न माइनस वन यदि वन रिटर्न नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली यहां पे आके रिटर्न माइनस वन कर देगा इसके बाद ब्रैकेट क्लोज माइनस वन मतलब क्या है

एक और चीज मैं भूल चुका हूं दैट आई हैव टू राइट नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा एन्ट तो कंपैरिजन कंपा स्टार कंपा प्लस प्लस कर दो तो क्या कंपैरिजनस भी बढ़ते जा रहे जब जैसे ही मिल जाएगा तो क्या होगा वो ब्रेक कर जाएगा तो कितने कंपैरिजन हुआ ये यहाँ पे चेक हो गया ऑटोमेटिकली ओके उसके बाद हम क्या करेंगे मेन फंक्शन में जा रहे एक एरे ले, ले लेंगे विल बी टेकिंग एन एरे एन्ट ए आर ए

अब int a equal to, अब क्या करेंगे ये कौन सा फंक्शन था ये वाला फंक्शन था ये पूरा फंक्शन लिख डालेंगे ये वाला तो क्या लिखेंगे int, int क्या था सर्च ना लिन्ट सर्च. लिन्ट सर्च में क्या -क्या भेजे ए आर आर पूरा एर पास कर दिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास कर दिए की पास कर दिए ओके इंट की यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा इंट की इक्वल टू सपोज मैंने ले लिया फिफ्टीन ठीक है जो एलिमेंट मुझे ढूंढना है इंट की उसके बाद क्या क्या है क्योंकि वहां पर फंक्शन मैंने लिया तो कंपेरिजन कोम्पा लिखा ना तो कॉम्पा राइट कॉम्पा हो गया नॉट नंबर ऑफ कॉम्पेरिजन कॉम्परा कॉम्पा मेजेरिजन एम्परसेंट कॉम्पा लिख के तो वॉट विल है फंक्शन पास कर दिया तो यहां से रिटर्न क्या क्या होगा एक वन हो सकता है और एक माइनस वन हो सकता है और वो वन माइनस वन जो रिटर्न होगा कहाँ आएगा ए आए कहा में आ जाएगा अंडरस्टूड कहां पर आ जाएगा ए में आ जाएगा आप क्या लिखेंगे इफ इफ ए नॉट इक्वल टू माइनस वन नॉट इक्वल टू माइनस वन मतलब वन है तो क्या होगा प्रिंट एफ एलिमेंट फाउंड स्लैश एन एलिमेंट फाउंड एलिमेंट

नंबर ऑफ कंपैरिजन भी चाहिए वो भी आया है प्रिंट एफ नंबर ऑफ कंपैरिजन नंबर ऑफ कंपैरिजन इक्वल टू परसेंट डी कॉमा कॉम्पा लिख दो कॉम्पा compa में कंपेरिजन आ गया टोटल कितना कंपैरिजन हुआ है उस एलिमेंट को ढूंढने में या एलिमेंट नहीं मिला ठीक है अब उसके बाद कितने बार लूप इटरेट हुआ है ये भी ऑल्सो दिस इज ऑल्सो सिंह तो नंबर ऑफ लूप भी ऑटोमेटिकली कंपेरिजन से ही पता चल जाएगा क्योंकि लूप उतनी बार ही चलेगा जितने बार कंपेयर होगा ओके सी रिटर्न जीरो इस तरीके से आपको प्रोग्राम को करना है होप आप लोग को क्लियर हो गए ठीक है सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कंपेरिजन नंबर ऑफ कंपेरिजन ये सब तो सिंपल है इसी तरीके से करना है एक एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट वी विल डिस्कस नाउ ये तो क्लियर है उसके बाद राइट ए प्रोग्राम To find the location of, write a program to find the location of last even integer, last even integer in an array. Okay? Calculate the number of times. Calculate the number of times the number of times the loop and algebra the loop and arithmetic operation the loop and arithmetic operation arithmetic is to check whether a number whether और उसके बाद एक वो नंबर ऑफ टाइम्स लुप के लिएटिक ऑपरेशन अब एथमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है जैसे हम कहें फाइव मॉडल टू इक्वल टू इक्वल टू कितना टू सीटी थ्रीमेटर कितना तो ये एक मॉडल ऑपरेशन है तो दिस इज एमेटिक ऑपरेशन ये एरिथमेटिक ऑपरेशन हमें करना है ठीक है This thing. तो हम हम क्या क्या करेंगे? सीधा लोग करते हैं? हैं। हैं। ले main function लेके elements ले लेते लेते लेके एक और चीज़ मैं आपको बता दूं. जैसे ऐसे करके ऐसे दिया तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है? है? यहाँ पे फाइव दे दो फोर थर्टीन दे दो लेट मिनट से एक मिनट एग्जाम्पल ठीक नहीं हुआ सेवन सिक्स नाइन फोर वन एट एटी वन ऐसे दिया तो मैक्स ने, लास्ट कौन सा है ये वाला है या इवन नंबर इधर से आप कॉल करोगे तो लास्ट इवन नंबर कौन सा है क्योंकि हम इधर से चलते हैं ना एड फ्रॉम फॉरवर्ड जीरो वन टू तो, थ्री फोर फाइव ऐसे करके चलते तो लास्ट वाला कौन सा ये तो हम क्या करेंगे लूप इस तरफ चलाएंगे और जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा इवन उसी को हम ले लेंगे तो फिर क्या होगा हमारे नंबर ऑफ कंपेरिजन क्या होंगे कम होंगे यहाँ से यदि जाओगे तो एक कम्पेरिजन दो कम्पेरिजन तीन थ्री कंपेरिजन फोर्थ कंपेरिजन में यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कम्पेरिजन में यहाँ आ रहा है तो हम क्या करेंगे पीछे जाएंगे इस तरफ से हम चेक करेंगे अंडरस्टूड इन दैट वी विल बी डूइंग तो क्या करेंगे इंट मेन फंक्शन इंट मेन फंक्शन के बाद क्या करेंगे इक्वल टू थ्री सेवन वन सिक्स फोर टू फाइव ऐसे कुछ है तो ये वाला है इवन नंबर तो ये हम कैसे चेक करेंगे आप देखते हैं इंट एन इक्वल टू कितने एलिमेंट्स आपने लिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एट एलिमेंट इंटर इक्वल टू एट होप आप लोगों को क्लियर हो गया तक लूप लूपन लूप इटर इक्वल टू जीरो ले लो ओके okay? आप क्या करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू एन माइनस वन क्योंकि एक दो तीन चार पाँच, छः, सात आठ आठ है ना तो एन माइनस वनो से, से जाएगा। क्या I N -1. N -1 ये जीरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ तो सेवन से स्टार्ट होगा इधर से जाएगा तो सेवन तो इसलिए एन माइनस वन मैंने किया ठीक है आई एन माइनस वन आई घटा था निकोल जीरो आई प्लस माइनस 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 करके चलेंगे क्योंकि क्योंकि हम पीछे से जाएंगे पीछे से चेक करेंगे लास्ट बोलो ना तो पीछे से जाएंगे अब ब्रैकेट लगाओ लूप इटर प्लस प्लस तो लूप तो चलना शुरू हो चुके आप क्या करेंगे इफ ए आर आर आई मॉडल टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो एरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा तो क्या होगा यदि है तो फिर क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे पोजिशन एक पोजिशन ले लो इंट पोजिशन इक्वल टू तो जीरो पोजिशन किस लिए हमे, हमे के पोजिशन जीरो नहीं माइनस वन, वन ले लो इंट पॉजिशन इक्वल टू तो माइनस वन इंट रोजिशन इक्वल टू तो माइनस वन ओके इफ ए मोडल टू इक्वल टू जीरो पोजिशन इक्वल टू तो? पोजिशन uh, क्या होगा पोजिशन इक्वल टू आई पोजिशन इक्वल टू आई हो गया पोजिशन क्या हो गया जो जिस पोजिशन में मुझे मिल गया तो पोजिशन को मैंने स्टोर कर लिया कहां पे I में uh, post, POS में पोज़ में स्टोर कर लिया ओके okay? उसके बाद क्या एडमेटिक ऑपरेशन उसको मैंने क्या लिखा है ऑपरेशन क्या तो मैंने लिखा ही नहीं एंट ऑपरेशन ऑप इक्वल टू जीरो तो जीरो है जीरोन प्लस प्लस कर दो इंट एरिथ इंट इंट नहीं एरिथ ऑपरेशन ऑप उपर क्या लिखा मैंने फंक्शन इंट ऑप एडमेटिक ऑपरेशन कितने बार हुआ एक बार हो रहा टू एक ही बार ऑप प्लस प्लस जो भी होंगे एर्जमेटिक ऑपरेशन प्लस प्लस कर दिया मैंने ठीक है उसका क्या करेंगे मिलने के बाद क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे सिंपल क्योंकि एक बार जब लास्ट वाला एलिमेंट मिल चुका है तो फिर मुझे के आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है तो इसमें क्या हो गया एरिथमेटिक ऑपरेशन भी हो गया और नंबर ऑफ पोजिशन भी मिल चुका है ठीक है, वो भी मिल है मुझे अंडरस्टूड तो दिस इज द वे टू डू ओके आप क्या करेंगे प्रिंट एफ नंबर ऑफ एरेथमेटिक ऑपरेशन एरिथमेटिक ऑपरेशन इक्व परसेंटेज कॉमन एरिथॉप प्लस प्लस एरिथ ऑफ प्लस प्लस ना प्लस प्लस नहीं ये तो कैलकुलेशन नहीं भी हुआ तो वट विरिथप उसमें स्टोर है ओके पेंटेफ नंबर ऑफ लूक्स इक्वल टू परसेंट डी कॉमन नंबर ऑफ लूप कितना है लूप इट लूप इटर में है लूप इटर में लूप इटर डाल दो लूप इटर आप लोगों को होप समझ में आ ही जा रहा ठीक है तो नंबर ऑफ लूप भी मिल गए उसके बाद क्या हुआ पोजीशन प्रिंट एफ यदि पोजिशन का चाहिए तो प्रिंट एफ पोजिशन ऑफ लास्ट इवेंट नंबर टू परसेंट कम पीओ एस पोजिशन में मिल चुका है तो दिस इज ऑल रिटर्न जीरो वो आप लोग क्लियर हो गया तो इस तरीके से आप लोगों को प्रोग्राम को लिखना एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो डू नॉट वरी अबाउट इट दिस इज द वे यू टू तो डू वो आप लोग क्लियर हो गया एक और क्वेश्चन है देखते है। एक बाइनरी रिसर्च का क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है गिवन एन एरे ऑफ एन डिस्टिट इंजीजर गिवन एन एरे ऑफ एन डिस्टिट इंटीजर और यहां ठीक है तो और क्या करना रहे डिटरमाइन द पोजिशन एरे डिटरमाइन द पोजिशन डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एन इंटीजर इंटीजर डिटेन द पोजिशन ऑफ एन इंटीजर इन द लिस्ट ंग बाइनेरी सर्च एल्गो यूजिंग बाइनेरी सर्च एल्गो ओके और एरे दे दिया है फिफ्टीन ट्वेंटी एरे इज गिवन एरे क्या दिया फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी टू थर्टी फाइव फोर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव और सच एलिमेंट क्या है इसको सर्च करने की यू कैन से सर्च एलिमेंट क्या है सर्च एलिमेंट दे दिया थर्टी टू ठीक है अब क्या हुआ ये तो दिया हुआ आप बोलेगा हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ कंपेरिजन हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ कंपेरिजन द नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने बार कंपेरिजन होगा एंड डिविजन ऑफ एन एरे एंड नविजन ऑफ एन एरे विल एग्जीक्यूट ओके इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ व नंबर ऑफ कैन द डिविजन ऑफ एन एरे विल एग्जीक्यूट इसको कैसे करेंगे लेफ्ट से कुछ नहीं है इसे सारे एलिमेंट दे दिए ठीक है सिंपल इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में कैसे पहले फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द एरे शुड बी शॉर्टेड फर्स्ट स्टेप क्या है शॉर्ट द एरे यहां पे क्या है द ऑलवेज शॉर्टेड कैसे 15 20 25 30 32 35 40 थर्टी फाइव फोर्टी एरे इज ऑलरेडी शॉर्टेड एर इज ऑलवेज सॉर्टेड इन क्वेश्चन एर इज ऑलरेडी सॉर्टेड ठीक है नंबर टू स्टार्ट इक्वल टू जीरो है और एंड इक्वल टू कितना है जीरो से करेंगे तो, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन है तो एंड इक्वल टू सेवन इतना क्लियर है आप परफॉर्म नंबर थ्री परफॉर्म बाइनरी सर्च परफॉर्म बाइनरी सर्च अब कैसे करेंगे यहां पे कंपैरिजन स्टेप लिखेंगे लिख दो यहां पे कंपैरिजन स्टेप कंपैरिजन स्टेप स्टार्ट एंड मिड स्टार्ट एंड मिड मिडल एलिमेंट उसके बाद क्या है कंपेरिजन रिजल्ट कंपैरिजन ऐसे करके आप लोग पेपर में करना है कंपैरिजन रिजल्ट अब यहाँ पे पहले तो क्या होगा इनिशियल इनिशियल में स्टार्ट में क्या है जीरो है सेवन है जीरो सेवन आप मिडिल निकालने बोला जीरो प्लस सेवन बाई टू जीरो प्लस सेवन टू, टू? कितना तो होता है थ्री पॉइंट फाइव हम थ्री ले लेंगे यहां पे थ्री लिख दो आप थर्ड एलिमेंट जीरो से थर्ड एलिमेंट कौन सा है जीरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड, थर्ड इज हाउ मच थर्टी राइट थर्टी ओके अब कंपेरिजन रिजल्ट क्या करना है कौन सा एलिमेंट है थर्टी टू है ना थर्टी लेस देन थर्टी टू थर्टी लेस देन थर्टी टू हमारा की क्या है की एलिमेंट थर्टी टू तो थर्टी लेस देन थर्टी टू तो फिर क्या करना पड़ेगा आप करें नेक्स्ट स्टेप वन ओके तो क्या हो गया अब अब क्या हो गया स्टेप स्टार्ट स्टार्ट कौन सा होगा स्टार्ट कहां से होगा थर्टी टू थर्टी टू तो आगे है ना थर्टी थर्टी टू कहाँ यहाँ पे इस जगह में तो जीरो फर्स्ट तो तो वाले एलिमेंट फर्स क्या हो गया फोर और लास्ट वाले एलिमेंट कौन सा है? से है स्टार्ट है फोर एंड कौन से एंड सेवन है और मिडिकोर इलेवन तो हम क्या लेंगे फाइव अंडरस्टूड मैं क्या करो ये दोनों का ऐड कर रहे और डिवाइड बाई टू करे दोनों का ऐड करें डिवाइड बाई टू थ्री पॉइंट फाइव का थ्री ले लिया मैंने अब फोर प्लस इलेवन बाई टू के साथ फाइव ओके अब मिडिल एलिमेंट क्या होगा मिडिल एलिमेंट इज दैट वी सी मिडिल एलिमेंट टू क्या होगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये बोला ना दिस वन मिडिल एलिमेंट थर्टी फाइव राइट थर्टी फाइव अब क्या थर्टी टू लेस देन थर्टी फाइव थर्टी फाइव के साथ कंपेयर होगा थर्टी टू का सर है थर्टी फाइव मैंने थर्टी फाइव इज ग्रेटर उसके मतलब क्या होगा उसके मतलब क्या होगा अब फिर एक बार चलेगा ठीक है अब क्या होगा इनिशियल स्टार्ट एलिमेंट फोर्थ होगा स्टार्ट और एंड क्या होगा एंड भी फोर होगा अंडरस्टूड स्टोड फोर प्लस फोर फोर प्लस फोर कितना था एट एट बाई टू कितना था फोर ठीक है क्योंकि ये स्मॉलर हो गया दिस एलिमेंट इज स्मॉलर तो फिर पीछे एक स्टेप पीछे हो पीछे ही हो जाएगा क्योंकि उसके पीछे है कैसे मैं आगे जा रहा था तो फिर हम क्या करेंगे एक स्टेप पीछे आ जाएंगे ये फिफ्थ एलिमेंट था मुझे मुझे ये देख रहे दिस दिस वन इज ग्रेटर देन तो फिर एक स्टेप पीछे आ जाना पड़ेगा तो क्या हो गया पे फोर में चले गया। तो फोर्थ प्लस फोर कितना था टू तो अब मिडिल एलिमेंट कितना हो गया फोर्थ प्लस फोर एट एट बाई टू कितना था तो फोर अब फोर्थ एलिमेंट क्या थर्टी टू अब थर्टी टू इक्वल टू तो थर्टी टू है ना फोर्थ एलिमेंट देखो थर्ट है फोर्थ जीरो वन टू थ्री फोर देखो फोर्थ एलिवेट थर्टी टू थर्टी टू थर्टी टू तो फिर यहाँ पे क्या हो गया ओवर हो गया तो स्टार्ट तो क्या हो गया टारगेट एलिमेंट क्या हो गया फाउंड फाउंड की इज और इंडेक्स क्या है इंडेक्स इक्वल टू फोर दिस वन इज द इंडेक्स इंडेक्स इक्वल टू तो आपको एलिमेंट मिल गया तो दिस इज द वे इट इज दिंग डन होप आप लोग को क्लियर हो गए तो ऐसे करके कि आप लोग को पेपर में दिखाना शो करना पड़ेगा तो कितने कंपैरिजन हुआ क्या हुआ ये सारे पता चल गए कितने कंपैरिजन हुआ न टू थ्री थ्री टाइम्स कंपेरिजन तीन बार हुआ ठीक है ये बात आपको याद रहना चाहिए ऐसे करके आप लोगों को प्रोग्राम को करना है ठीक है लेकिन यदि आपका बाइनरी सर्च लीनियर सर्च होता है तो कितने कंपेरिजन होता है फर्स्ट कंपेरिजन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ कंपेरिजन में मिलता है यहाँ पे थर्ड कम्पेजन मिलता है इट इज फास्ट रिटिव इट इज वेरी फास्ट दिस इज हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड अब एक और क्वेश्चन है डिफरेंट है राइट प्रोग्राम write a program okay c program to execute a polynomial expression to execute a polynomial expression expression using horner's rule using horner's using horner's rule and count the number of key operation and count नंबर ऑफ की ऑपरेशन काउंट द नंबर ऑफ की ऑपरेशन इसको कैसे करेंगे एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले हॉर्नस मेथड हमें समझना जरूरी है देन ओली यू कैन अंडरस्टैंड एक पॉलिनी ले लो पॉलिवल कैलकुलेशन होता है इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि पॉलिनी है थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन और इक्वल टू एट है तो इसको सॉल्व करना है इक्वल टू एट पुट करके तो हम कर सकते हैं लेकिन हॉर्नस मेथड क्या बोलता है पहले आप एक्स कॉमन ले लो तो क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर प्लस वन वी कैन राइट लाइक दिस अब ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते एक्स तो एक्स कर लो थ्री एक्स यदि कॉमन ले लो थ्री एक्स तो नहीं ले सकते एक्स कॉमन ले सकते एक्स आई यू आर टेकिंग कॉमन तो क्या होगा थ्री एक्स प्लस टू माइनस फोर प्लस वन यू कैन राइट लाइक दिस तो इस तरह का हो गया अब हम देखेंगे x के इस x का कोफिजन कितना है थ्री तो हम क्या करेंगे एस का वैल्यू पहले थ्री ले लो एक्स का वैल्यू क्या एक्स का जो कोफिजन कितना है थ्री तो राइट थ्री हो ये ओके एस क्या S लिखेंगे एस क्या लिखेंगे एस विल बी एस विल बी वट टू इंटू फोर हम्म एस इक्वल टू वट यू के राइट एस इक्वल टू थ्री थ्री एस प्लस टू तो एस का वैल्यू मैंने थ्री ले लिए आप क्या करेंगे एस का वैल्यू प्लस प्लस टू कर दो और थ्री

इसका का वैल्यू एट है तो हम लिखेंगे एट एस प्लस थ्री कैन डू एट एस प्लस टू वाई एट एस प्लस टू वाई एट एस प्लस टू एक्स इक्वल टू तो एट दिया हुआ एट एस आप देखो यहां पे क्या है एट एस प्लस टू ओकेट हाउ एट दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ना हाउ एट एज प्लस टू यू माइट बी आस्किंग एट एस प्लस टू ये कैन यू सी दिस एट इसके साथ मैंने एस को मल्टीप्लाई कर दिया प्रीवियस एस को ठीक है ये प्रीवियस एस को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस टू कर रहे लेट वीट डू द कैलकुलेशन देन आई एक्सप्लेन एट एस प्लस टू फिर क्या करेंगे ये जो ये जो इसको एस क्या लिखेंगे एस इक्वल टू एट एस माइनस फोर

ंड्रेड फोर टू हंड्रेड फोर के साथ करेंगे माइनस 16, प्लस वन तो क्या हो गया वन सिक्स थ्री थ्री आप जब ये वाला कैलकुलेशन आप करोगे ये वाला कैलकुलेशन करोगे गेट दिस सेम सेम आंसर ओके गेट द सेम थिंग ओके तो दिस इज बी डन ओके okay. तो क्या किया मैंने यहां पे एट एस प्लस टू कुछ ठीक है एस का वैल्यू थ्री ले लो ठीक है उसके बाद एट एस एस का वैल्यू कितना है एट तो क्या करेगा एट के साथ एस को मल्टीप्लाई कर दो plus 2. प्लस टू प्लस टू कर दो उसके बाद इस, इस इसको इसको पूरा क्या ले? ये क्या हो गया ये वाला हो गया एस अब क्या करेंगे एस का साथ क्या करेगा ये ये जो एक्स है एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक्स आई मल्टीप्लाइंग आप लोग को समझ में आ रहा व्हाट आई एम डूइंग ये पूरी एस है ओके okay. एस का साथ एक्स एक्स का वैल्यू कितना है एक्स का वैल्यू एट है तो एट इंटू एस एट इंटू एस माइनस फोर देखो एट इंटू एस माइनस फोर इसके बाद पूरी पूरी इस पूरी को क्या ले, मैं, मैंने क्या ले लिया एस ले लिए. s एस ले ले. लेने के बाद क्या होगा ये एक्स है इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का वैल्यू कितना एट एट इंटू एस एट इंटू एस प्लस वन देखो एट इंटू एस प्लस वन अब हम क्या करेंगे एस का वैल्यू जो थ्री है हम पुट करके यहाँ पे. एस का वैल्यू एट एक्स का वैल्यू एट है ये पुट करके देखते हैं तो थ्री इंटू एट क्यूब प्लस टू इंटू एट स्क्वायर माइनस फोर इंटू एट प्लस वन देखते है. एट एट जैसे सिक्सटी फोर एट जो फाइव हंड्रेड ट्वेल्व फाइव हंड्रेड ट्वेल्व इंटू थ्री ट्वेल्व थ्री वन फाइव थ्री सिक्स प्लस एट एट जो सिक्सटी फोर टू जर वन ट्वेंटी एट एट सिक्सटी फोर टू जर वन ट्वेंटी एट माइनस एट फोर जो थर्टी टू प्लस वन ऐसे कुछ है आप वन फाइव थ्री सिक्स कैलकुलेट करते वन फाइव थ्री सिक्स प्लस वन ट्वेंटी एट प्लस वन एट सिक्स फोर्टीन वन फिफ्टीन फिफ्टीन फाइव वन थ्री फोर वन थर्टी टू फाइव माइनस टू इज थ्री सिक्स माइनस थ्री 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 कैन यू सी दिस इज दिटन आप लोग एक बार और क्लियर कर दू आई थिंक आई शुड क्लियर इट अगेन लेट मी वैल्यू थ्री है आई पहले थ्री ले लिया थिंग आल्सो

यहां पे क्या है प्लस वन प्लस वन तो दिस इज द वे हॉर्नर्स मेथड इज बीइंग एक्सप्लेन वो आप अपनों को क्लियर हो रहे अब इसके बाद क्या करेंगे हम थोड़ा सा सी प्रोग्राम का देख लेते हैं क्या देर दे अब हम क्या करेंगे द, हाँ डबल हॉर्नर क्योंकि इंट हॉर्नर कर दो इंट हॉर्नर इंट हॉर्नर ब्रैकेट में इंट कोफिशंट इंट कोमा इंट एन कॉमा इंटेक्स कॉमा इंट ऑपरेशन काउंट जितने बार ऑपरेशन जो मैंने कैलकुलेट किया वही वाले ऑपरेशन काउंट और ब्रैकेट में रिजल्ट इंड रिजल्ट इक्वल टू कोफिशियंट बैकट में इन ओके और नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन काउंट ऑपरेशन काउंट इक्वल टू अभी काउंट ऑपरेशन नहीं हो रहे तो जीरो फॉर

और नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा ऑपर अकाउंट ऑपर काउंट इक्वल टू ऑपर अकाउंट प्लस इक्वल टू टू दो दो काउंट हो रहा है क्योंकि दो ऑपरेशन हो रहे हैं कैन यू सी एक ये हो गए फिर क्या हो रहा है इसके साथ एक मल्टीप्लाई हो रहा है उसके बाद ऐड हो रहा है तो कितना हो रहा है एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हो रहा है एक एडिशन ऑपरेशन हो रहा है तो दो ऑपरेशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे प्लस टू कर देंगे इसलिए प्लस टू यानी किया ओके ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज अब आप लोग क्लियर है वही रिटर्न रिटर्न मैंने, मैंने प्रोग्राम में लिखा है ओके रिटर्न रिजुल्त। आप रिजल्ट कर दिए उसके बाद मेन फंक्शन में जाके डिग्री के क्या वो आप लोग मेन फंक्शन मैंने लिख दिया तो दिस इज द वे इट इज डन तो ऐसे करके आप लोग को एक्सप्लेन करना है एग्जाम में एंड दैट सॉल्व इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको समझ में आ गया जो एल्गो में कैसे क्वेश्चन करने ऑल द बेस्ट थैंक यू बाय